नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सेक्टर 148 सेक्टर की, जहाँ पे एक हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट हमने अभी न्यू लॉन्च किया है। अब मैं बात करने वाला हूँ सीआरसी का एक नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है आपकी, मेन एकदम ऑन रोड की प्रॉपर्टी है, आपका मेन चौराहे की प्रॉपर्टी आती है। अगर इसकी मैं आसपास की कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो आपका जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन बोल सकते हैं या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर पूरा बात करता हूँ तो पूरा आईटी हब है। इसके अलावा रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा सामने ये सेक्टर 137 आता है, जिसके अंदर कम से कम 10 सोसाइटीज़ हैं जो फुल्ली ऑक्यूपाइड सेक्टर है। यहाँ पे अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे मैं आपको एक ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको आज देने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो के साथ में, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे क्या कैसी प्लानिंग है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीतें बेहतरीन इनाम। हमारी पूरी टीम की तरफ से इस मंथ के पांचों भाग्यशाली विजेताओं को हार्दिक बधाई। आप भी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें। लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप भी भाग्यशाली विजेता बने। धन्यवाद। अब हम चलते हैं साइट के अंदर। तो दोस्तों, मैं जो इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये सीआरसी ग्रुप का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये जो लोकेशन इसकी सेक्टर 148 की लोकेशन आती है। और प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट का जो नाम है सीआरसी द फ्लैगशिप नाम से ये प्रोजेक्ट है, सेक्टर 148 नॉर्थ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे जो अगर नियर बाई कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट में पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा सेक्टर 142 का मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट में पड़ता है यहाँ पे। और कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो आपका जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, आपका एडवान टावर दिखाई देता है, तो वो एडवान टावर से आपको हार्डली 5 मिनट लगते हैं आप इस प्रोजेक्ट पे आने में। इसके अलावा आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे लेके आ सकते हैं, सेंट्रल नोएडा से आ रहे हैं तो इंडिया टीवी की तरफ से होते हुए यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो फुल्ली डेवलप लोकेशन है। वहाँ पे मैं आपको ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करता हूँ तो ये आपका सीआरसी द फ्लैगशिप नाम से जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा 11.16 एकड़ का ये पूरा मिक्स यूज कमर्शियल डेवलपमेंट है, जो कि एकदम कॉर्नर का प्लॉट है यहाँ पे, और जिसके अंदर में अपने ऑफिस स्पेस हैं, आपका रिटेल शॉप के ऑप्शन आते हैं, फूड कोर्ट वगैरह है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मल्टीपल चीज़ों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं। इसमें अगर मैं सबसे बढ़िया बात करता हूँ, ये जो पूरा बिल्डिंग है हमारा पूरा 11.16 एकड़ में 4 टावर हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसमें ऑफिस स्पेस है आपका एंड आपका रिटेल शॉप है, फूड कोर्ट है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स वगैरह के ऑप्शन रखे हैं। अगर इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ तो जो मैंने अभी इसमें लॉन्च किया है वो टावर ए लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर में हमारा 25th फ्लोर तक की बिल्डिंग रहेगी, जिसमें 25th फ्लोर तक में इसमें ऑफिस स्पेस के ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे रिटेल शॉप दिए हुए हैं, और एक हमने 22nd फ्लोर निकाला है जो डेडिकेटली एक कोवर्किंग स्पेस है। तो मैं अगर अभी इसमें जो सबसे मेरे पास जो सबसे छोटा टिकट साइज़ की इन्वेस्टमेंट आती है वो कोवर्किंग ऑफिस स्पेस की इन्वेस्टमेंट आती है, जिसमें कि 35-36 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, 36 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है। तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, 9 साल की लीज़ गारंटी आपको मिल रही है, इन्वेस्टमेंट टिकट साइज बहुत बड़ा नहीं है आपका, 36 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में 24,000 रुपए का आपको मंथली रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर पोजिशन में। पेमेंट प्लान की भी अगर बात करता हूँ तो बहुत ही इजी पेमेंट प्लान रखा हुआ है, 50% आपने अभी देना है, 25% आपने स्ट्रक्चर पे देना है, 25% आपको देना है पोजीशन पे। तो दोस्तों, आप ये जितना स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये पूरा रिटेल का पार्ट है, ये पूरे डबल हाइट की इसकी एंट्रेंस लॉबी वगैरह रहेगी, डबल हाइट की शॉप्स यहाँ पे हमने निकाली हुई हैं की हुई है। तो बिनॉय जो आपका यूके लंदन बेस्ड है, बिनॉय इसके आर्किटेक्ट हैं। इसके अलावा RSP जो अपना डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी की हुई है, RSP ने की हुई, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। इसके अलावा वास्तुनिधि ने इसका पूरा सारी तरीके से इसको मैनेजमेंट किया है, और रिटेल पार्ट अलग दिया हुआ है। जो ऑफिस स्पेस के टावर है उसकी जो एंट्रेंस लॉबी है वो 40 फीट की हाइट के आसपास में एंट्रेंस लॉबी दी हुई है, प्लस इसमें टॉप फ्लोर पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट दिया हुआ है, तो आपको एक अल्टीमेट लुक देखने को मिलेगा आप में, इस प्रोजेक्ट को एक अलग बनाता है अदर प्रोजेक्ट से। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक सबसे बढ़िया USP दी हुई है कि 10 लिफ्ट दी हुई है हर टावर के अंदर में, पार्किंग वगैरह प्रॉपर तरीके से दी हुई है, तो बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट के अंदर में बना के दी हुई हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही शानदार है, यहाँ पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं आज के रेट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़, इस प्रोजेक्ट के अंदर में पूरा जो लैंड है आपका ये फुली पेड अप लैंड है, तो टाइमली डिलीवरी होगी, 3 साल में इसका पोजीशन आएगा, बहुत ही अच्छे पेमेंट प्लान के साथ में चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप ये आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया हो। फिर भी आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपने कैसे साइट विजिट प्लान करनी है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ऑफिस स्पेस के अलावा, इसमें रिटेल शॉप में क्या ऑप्शन है, या कोई भी क्वेरीज होती है, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके आपकी पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल ले सकते हैं, अपनी साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।